दोबारा डालने। इसमें भी यही प्रॉब्लम आई कि देखिए इसमें दो बबल्स हो गए और इसमें पकड़ने का भी बन गया, इसमें जो है पकड़ने का भी बन गया, मैं पकड़ भी सकता हूँ। वैसे जब 25 mm होता है वो पकड़ी नहीं जाती है, जब इसमें सिलिकॉन डल जाती है तो इस हीटर का यही है, वो ज़्यादा मेल्ट कर देता है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है इस हीटर पे। तो आप जो बेल्डिंग हीटर है उसी का ही यूज़ करें, ऐसे हीटर से आप ना करें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल में। आज हम जो घर में यूज़ करते हैं हीटर, उस पर हम पीवीसी जो पाइप होती हैं वो कई लोग घर पर ही बनाने लगते हैं, उसी पर गर्म करके जो मेल्ट हो जाती है थोड़ी सी, फिर उसे मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप इस वीडियो में देखने वाले हो कि उससे मुड़ता है या नहीं। तो आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें शेयर करें। ये हीटर है, थोड़ा सा रबड़ को गर्म कर लेते हैं ज़्यादा ठंड की वजह से। हाँ, ये बैंड है, बैंड को हमने रख दिया है। हीटर में क्या होता है कि वो जो ये 9 इंची बैंड कटता है उसी ये 8 इंची गर्म हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि 8 इंची, और इस पे वैसे जल्दी गर्म हो जाता है, इसमें आप दिख रहे भी रहा होगा। देखिए वैसे हम अभी इसमें मोड़ के भी देखते हैं, जब स्टार्टिंग में आप करते हो तो उस वक्त आपका जल्दी से मुड़ेगा नहीं। तो देखिए इसमें जो बबल्स है वो भी आ गए, हो गया। तो इसमें क्या होता है कि वो पूरी जो सर्कल है वो पूरा गर्म नहीं होता, एक साइड का गर्म होता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। देखते हैं, जैसे आपने तो उस हीटर से तो बना के देखा होगा, इस हीटर से भी आप देख लो बन पाता है या नहीं। तो ये पूरी तरह मेल्ट हो गया, इसके के अंदर सिलिकॉन की कोट डाली और ये उड़ गया। हमें थोड़ी प्रैक्टिस है। हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो इस वजह से ये इसमें बट नहीं आते हैं। जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपके बट आ सकते हैं, तो आप ऐसा ना करें। और ये जो हीटर है, जो ये हीटर है वो भी आपका अच्छा तरह से गर्म नहीं है, क्योंकि ये मेल्ट कर देता है। आप देख ही रहे होंगे कि हाफ चल रहा है और हाफ नहीं चल रहा है, तो इस वजह से भी ये जो है पूरा जल्दी से हीट नहीं कर रहा है। तो आपका जो हीटर है वो बहुत ही जल्दी से हीट हो जाता है, इस वजह से इस हीटर पे आपका जो काम है वो नहीं हो सकता। नहीं तो आपको इसमें, इस हीटर पे भी आप काम करते हो तो इसमें आपको हाफ में ईट रखनी पड़ेगी दोनों साइड, और बीच में 3 से 4 इंची छोड़कर ईट का, और ईट के ऊपर आपको रखना पड़ेगा। ये दूसरा है। ऐसे इसमें भी आपको जो बैंड है उसमें कोई बट नहीं है, ऐसे बट दिखते हैं, कोई भी बट नहीं है। जैसे जल्दी से मेल्ट तो हो जाती है, जैसे इतनी मेल्ट हो जानी चाहिए आपकी जितनी है ये इसमें। इसमें आपको यही प्रॉब्लम आएगी, इसमें टाइम लगता है ज़्यादा, उसमें आपको एक 10-5 पीसेज उसमें रख के उसमें आराम आराम से होते रहेंगे। इसमें आपको पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि इसको चेक करते रहना पड़ता है कि जल ना जाए, और इसमें बबल्स आने की ज़्यादा वो होते हैं। सिलिकॉन डाला,
और ये मोड़ दिया। जैसे इसमें आपके बट आ गए, क्योंकि एक साइड तो जो पाइप है वो बहुत टाइट थी और एक साइड ज़्यादा नरम हो गई थी, तो बट जो है वो इसी वजह से आते हैं कि एक साइड से ज़्यादा गर्म हो जाती है आपकी और एक साइड से कम, तो इस वजह से वो बट आ जाते हैं। इसमें देखिए ऐसे दिखते हैं बट, देखिए आपको अलग से ही बट दिख रहे होंगे। नेक्स्ट करके दिखाते हैं, जो पहली है उसमें भी बट नहीं आए, वैसे बबल्स आ गए थे, आपको दिखाता हूँ। तो एक साइड से जहाँ से ये होती है वहाँ से यहाँ से तो बिछ रही है। थोड़ा इस साइड से दिखाता हूँ कैमरा क्वालिटी, यहाँ से तो बिछ रही है, देखिए यहाँ से और कहीं से नहीं बिछ रही, तो इस वजह से उसमें दिक्कत आती है कि थोड़ा सा एरिया ही इसमें हीटिंग होती है। तो आप स्टार्टिंग में नहीं तो इस हीटर पे जो बड़े कपलिंग होते हैं वो बना ले, इस हीटर पे आपको घुमाते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी, वो एक साइड से हो जाता है और एक साइड से नहीं होता है इस वजह से। एक और भी है, ये है वैसा है जैसे जो हीटर है हीटिंग वाले बेंडिंग हीटर हीटिंग वाले, तो उससे प्रॉपर है। जो ये दो बनाए हैं ये हमने इस हीटर से बनाए, तो आप डिफरेंस देख ही सकते हो कि कितना इसमें डिफरेंस है, आप ऐसे भी देख सकते हो। कितना डिफरेंस है, ये बिल्कुल बैंड हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा घूम रहा है, ये भी ज़्यादा घूम रहा है, तो इससे आप डिफरेंस का पता लगा सकते हो। ये अब अच्छी तरह से हो गए हैं, दोबारा डाल रहे हैं। इसमें भी यही प्रॉब्लम आई कि देखिए इसमें दो बबल्स हो गए और इसमें पकड़ने का भी बन गया, इसमें जो है पकड़ने का भी बन गया, मैं पकड़ भी सकता हूँ। वैसे जब 25 mm होता है वो पकड़ी नहीं जाती है जब इसमें सिलिकॉन डल जाती है, तो इस हीटर का यही है, वो ज़्यादा मेल्ट कर देता है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है इस हीटर पे। तो आप जो बेल्डिंग हीटर है उसी का ही यूज़ करें, ऐसे हीटर से आप ना करें। देखिए कैसे बनाए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।